अगर आप सोच रहे हैं एक पावर बैंक खरीदने के लिए और आपके पास बजट कम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को 10,000 mAh का पावर बैंक चाहिए, वो भी कम बजट में। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें मैं Xiaomi का पावर बैंक का बात करूंगा जो 10,000 mAh का पावर बैंक है, साथ साथ इसका पूरा फीचर्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देखिए इस तरह का पैक होके ये पावर बैंक आपके पास आता है। यहाँ पर ऊपर में कुछ इसका इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, और ये जो है फर्स्ट चार्जिंग 18 वाट का फर्स्ट चार्जिंग पावर बैंक है। ओके, अगर बैक साइड की तरफ बढ़ते हैं तो बैक साइड में आपको कुछ शॉर्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, साथ साथ इस प्रोडक्ट का प्राइस, और इस बॉक्स के अंदर एक पावर बैंक है, यूएसबी केबल और एक यूजर मैनुअल मिलता है। यहाँ पर कुछ कंपनी का डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर जो है स्क्रैच फॉर सिक्योरिटी कोड। ओके, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपका जो मार्केट में बहुत सारा ऐसे डुप्लीकेट पावर बैंक आ गया है एमआई Xiaomi का नाम में, तो इसका लिए कंपनी ने यहाँ पर जो है ये पावर बैंक ओरिजिनल है कि नहीं है इसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड दिया जाता है। आप जैसे इस साइड में इसका जो साइड इस साइड में जाते हैं तो इस कोड को जैसे अप्लाई करते हैं वहां पर तो ये पावर बैंक आपका जेन्युइन है कि नहीं है वहां पर आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से कंपनी ने एक अच्छा चीज को लाने का कोशिश किया है। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर में आपको और क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है एक पावर बैंक मिलता है, एक यूजर मैनुअल और एक डेटा केबल मिलता है। तो ये जो डेटा केबल है ना फ्रेंड, ये मेरे को बहुत सस्ता टाइप का डेटा केबल लगा, बट चार्ज करने से पता चलेगा कि ये काम सही से करता है कि नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसका यूजर मैनुअल की तरफ। तो इसका जो यूजर मैनुअल है इसमें आपको कुछ शॉर्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत इसमें डिटेल्स दिया गया है इस पावर बैंक के बारे में। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैक साइड का अगर बात करते हैं तो बैक साइड में भी यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब इस पावर बैंक की तरफ। तो चलिए बात करते हैं इस पावर बैंक का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का। अगर इसका बिल्ड क्वालिटी का बात किया जाए फ्रेंड, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ही स्लिम लुक है इस पावर बैंक का, और सामने जो इसका फंड है इस फंड में आपको एमआई का लोगो देखने को मिलता है, बैक साइड में यहाँ पर आपको BIS का लोगो देखने को मिलता है, साथ साथ इसका फंड में जो है आपको 2 आउटपुट और 1 इनपुट देखने को मिलता है। सो फ्रेंड अगर इसका इनपुट एंड आउटपुट का बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 2 आपको आउटपुट एंड ऑन इनपुट देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपका 2 आउटपुट है, सबसे बढ़िया बात है कि एक साथ आप 2 फोन को एक टाइम में चार्ज कर सकते हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है इसका। और ये जो आपका 2 आउटपुट है 5 वोल्ट और 3 एम्प का आउटपुट है। 3 एम्प फ्रेंड, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 3 एम्प, आप समझ पा रहे होंगे कि कितना जल्दी आपका फोन चार्ज करेगा ये। यहाँ पर जो इनपुट है यानी कि अगर आप इसको चार्ज में लगाते हैं तो इसमें जो है 2.4 एम्प और 5 वोल्ट का इनपुट है। अगर आप चाहे तो इसमें फास्ट चार्जर भी यूज कर सकते हैं इस पावर बैंक को जल्दी चार्ज करने के लिए। साइड में जो है एक बटन देखने को मिल रहा है, ये कोई पावर बटन नहीं है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका पावर बैंक में कितना परसेंट चार्ज है ये इंडिकेट करता है। साथ साथ यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं लाइक दिस तो देखिए ब्लिंक होना स्टार्ट के 1, 2, 3 ऐसे करके ब्लिंक हो रहा है। तो इसमें जो है आपका लो पावर मोड एक्टिव हो गया है, इसीलिए इस बटन को दिया गया है। अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं तो लो पावर मोड एक्टिव हो जाते हैं। अब ये लो पावर मोड किस काम का है, जैसे कि आपका कोई स्मार्ट वॉच है या फिर स्मार्ट बैंड है या फिर आपका कोई सिंगल ईयरफोन है ब्लूटूथ वाला, तो उसको आप यहाँ से जो है चार्ज कर सकते हैं लो पावर मोड एक्टिव करने के बाद। चलिए बात करते हैं बैक साइड का। बैक साइड में आपको
10,000 इमेज का पावर बैंक, उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। और ये जो है एमआई पावर बैंक 2i है, और कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है जो आपका इस यूएसबी पोर्ट के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है इसका अगर साइज का बात करें तो साइज बहुत ही ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है एक मोबाइल का साइज का इसका साइज है। इसका जो लंबाई है 5.7 इंच इसका लंबाई है, और इसका जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ जो है वो 2.8 इंच इसका विड्थ है। साथ साथ आपको 0.55 इंच डीप आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आप बात करते हैं इसका वेट का कि इसमें एक्चुअल वेट आपको कितना देखने को मिलता है। तो चलिए इसका जो एक्चुअल वेट है ये हम लोग वेट मशीन से चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रखा और इसका जो एक्चुअल वेट है अभी समझ में आ जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल वेट है 275 ग्राम इसका एक्चुअल वेट है। तो अगर आप इसको कैरी करते हैं तो आपको लगेगा नहीं हेवी पावर बैंक आप कैरी कर रहे हैं, तो बहुत ही लाइट वेट है। आप अगर आपका पॉकेट में भी रखते हैं जींस का तो फील नहीं होगा कि कोई पावर बैंक आप लेके जा रहे हैं, लगेगा कि आप एक स्मार्टफोन ही आपके साथ कैरी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसका और भी कुछ फीचर्स। सो फ्रेंड, कंपनी कह रहा है अगर आप इस डिवाइस से 3000 या फिर 3500 एमएच का फोन को चार्ज में लगाते हैं तो मिनिमम 2 टाइम से थोड़ा ज्यादा जो है आप इस पावर बैंक को यूज कर सकते हैं। ओके, अब यूज करने का मतलब है 0 से लेकर 100% तक जब तक आपका मोबाइल फुल चार्ज नहीं होता है, तो पहला टाइम एंड दूसरा टाइम से थोड़ा ज्यादा। और अगर आपके पास 4000 एमएच का मोबाइल है तो उसको आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 बार आप 0 से लेकर 100% तक चार्ज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, बात करते हैं इसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। तो अगर आपके पास 3 या फिर 3500 एमएच का मोबाइल है तो कंपनी कह रहा है 1 घंटा 20 मिनट में उस मोबाइल को पूरा चार्ज कर देगा। अब ये जो पूरा चार्ज है 0 से लेकर 100% तक है, और अगर आपका 4000 एमएच का मोबाइल से तो उसको जो है 1 घंटा 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। है ना, बहुत बढ़िया ऑप्शन। तो इसमें बहुत जल्दी जो है आपका मोबाइल को चार्ज कर देता है। सिर्फ मोबाइल का बात नहीं कर रहा हूँ, आपका स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब को भी इस डिवाइस से आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉच जब आप इसमें चार्ज दीजिएगा तो लो मोड एक्टिव करके ही चार्ज दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है आपको 6 घंटा का चार्ज का ऑप्शन मिलता है। अब 6 घंटा का चार्ज जो है इस पावर बैंक को चार्ज करने का टाइम नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको फुल चार्ज करने के लिए 2.1 एम्पियर का जो चार्जर है या फिर 2.4 एम्पियर का जो चार्जर है उसमें इसको चार्ज करने के लिए 6 घंटा का टाइम लगता है इस पावर बैंक को फुल चार्ज होने के लिए। और अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो बहुत जल्दी इसमें चार्ज हो जाता है। सो फ्रेंड, बात करते हैं इस पावर बैंक का प्राइस का। तो देखिए अभी कितना प्राइस है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको परचेज किया था तो मेरे को 800 रुपए इसका जो एक्चुअल प्राइस है मेरे को लगा था, और उस टाइम में कुछ ऑफर चल रहा था अमेजन में, तो उस टाइम में मैंने इसको परचेज किया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि अभी इसका कितना प्राइस है। तो फिर आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी ऑप्शन छूट गया है, मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उस पूरा आंसर देने का कोशिश करूंगा। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज JI टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।